स्वागत किया है यहाँ पे खास करके। देखो अतिथि आओ भव, इन्होंने जो मान सम्मान दिया है उसके हम हमेशा कर्जदार रहेंगे, और ब्राह्मण और राजपूत का हमेशा से तालमेल रहा है और चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ इनको, जो आज इन्होंने हमें शॉल उड़ाकर महाराणा प्रताप की वीरता की निशानी तलवार भेंट करके जो स्वागत किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यालय पहुंचे, कितनी खुशी, और आपके मन में क्यों था कि दादा आपके कार्यालय पर आए? सबसे पहले तो मैं दादा का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मेरे जीवन की सबसे बड़ी इच्छा थी वो पूरी की। जब पिछली बार उनसे बात की थी इस मुद्दे को लेकर तेजस्वी यादव जी के, तब उन्होंने बोला था कि तू अपना कंप्लेंट वगैरह सब चालू करो प्रोसेस। जीवन जी को पूरा फ्रीडम दिया था कि भाई दरवेश के साथ मिलके जो इस विषय के ऊपर विजय को ठग बोला है तो उस विषय के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि दादा का मानना ये है कि जितने भी हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, तो उसको अगर कहीं आहट पहुँचती है, कोई सत्ता की कुर्सी के लिए छोटी सी वो तुच्छ बात करते हैं तो वो उनको पसंद नहीं आई, और उस कारण से उन्होंने पूरा समर्थन दिया। और उन्होंने मुझे बोला था कि धर्मेश मूल निवासी भी गुजराती है, गुजरात में भी दरबार है, राजपूत है, और आप गुजराती भाषा देखने जाओ तो उसमें दरबार यानी हमारे में राजपूत ही होते गुजरात में, और ऑल ओवर वर्ल्ड में आप देखो कि गुजराती की संख्या बड़ी है। जैसे आप खोजा भी पकड़ लो, महाराष्ट्रन भी रहते हैं राजपूत, गुजराती भी रहते हैं, तो ये सब चीजें जो भाषा के ऊपर बोली गई है तो वो अभद्र भाषा के वजह से दादा बहुत नाराज है। जैसे उन्होंने अभी बोला कि हम धरना देने के लिए भी तैयार है आपके सामने, और उन्होंने मुझे एक वादा किया था कि मैं आपके पास आपकी जगह पे आऊंगा और वहां बैठ के मैं ये कॉन्फ्रेंस कराऊंगा। ये मुद्दे को जैसे दादा ने बोला कि वो नेशनल टेलीविजन पे माफी मांगे या तो फिर उनकी धरपकड़ होनी चाहिए, तो दादा का पूरा मुझे समर्थन है इस बात।